और इफ एंड एल्स स्टेटमेंट में क्या है कि जब भी कंडीशन, अभी हमारे इफ कंडीशन, वॉट एवर द कंडीशन इज गिवन, इफ अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड द स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट और ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. व्हेन सो इफ स्टेटमेंट की एक ही खासियत है, अगर जो कुछ कंडीशन ट्रू है तभी ये एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा. 12 आया है, इसमें क्या करेगा कि जैसे ही अगर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा तो इसमें जो है वो एलईडी लाइट ब्लिंक करेगी और सायरन करेगा. जैसे कि अभी तो हम लोग के दिमाग में आता है कि कैसे हमने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया और इसको कहां यूज करते हैं, तो हम इस प्रोग्राम्स को एक, जैसे कि हम भी छोटे छोटे कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, वी कैन लोड इट ऑन द मदर बोर्ड और इन द आईसी चिप. सो हियर आई यूज Arduino बोर्ड. इन Arduino बोर्ड एज द आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड इट विल बेस्ड ऑन द डिस्टेंस. एज द डिस्टेंस इज विद इन द रेंज, इमीडिएटली द सिग्नल विल गोज टू द बोर्ड एंड द एलईडी लाइट और बजर विल स्टार्ट ब्लिंकिंग और द बजर विल स्टार्ट. ओके, सो हियर यू सी कि दिस इज द प्रोजेक्ट. व्हेन आई पुट इट द माय हैंड, यू सी द इमीडिएटली द ऑब्जेक्ट विल बी आइडेंटिफाइड एज इट कम्स नियर टू, दैट मीन्स कंडीशन इज ट्रू. व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, द सायरन एंड the LED light both are started. When the condition is false, you will see no work is doing by this toy. Okay, so yahi jo hum hai isko hum implement kar sakte hain apne programming mein. As you will see, as my hand comes near to this one, immediately this is started. Arduino board sensor, theek hai na, both, and as the distance will be measured, the immediately the information goes to the chip and it is start functioning. This is the same you will get it all in the washing machine or in the, even in the bikes or in the whatever the computerized machine, you will get it all these type of chips inside, and with there the programming is loaded. Now you